ये देखिए, एकदम खस्ता भरी भरी अंदर तक सिकी हुई। और जब आप लिट्टी को इस तरह चोखे के साथ खाएंगे, फिर तो सब स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार यूपी की शान और सभी का पहला प्यार, लिट्टी चोखा। बिल्कुल घर में हम गांव के स्वाद जैसा लिट्टी चोखा बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। कोई तंदूर नहीं लेंगे, कोई भट्टी वगैरह आग का कोई काम नहीं। जैसे वो ट्रेडिशनल तरीके में आग पर बनाई जाती है, बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा, वही फील और वही टेस्ट। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, दो तरीके बताऊंगी लिट्टी बनाने के, जैसे चाहे वैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम गांव के स्वाद जैसा बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे लिट्टी का आटा। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अच्छा, यहाँ याद रखिए, लिट्टी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा ही लेना है, बिल्कुल भी मैदा का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आटे से ही बहुत स्वादिष्ट भी बनती है लिट्टी और उनका टेस्ट निकल कर आता है। और यहीं पर इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, लगभग आधे छोटे चम्मच के करीब, और आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह हाथ पर रखकर और क्रश करके डालिएगा, इससे ना जो फ्लेवर है पूरा उभर कर आएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज जाएगी जिससे लिट्टी एकदम खस्ता बने, क्रिस्पी बने, उसके लिए मोइन यानी घी। तो मैं यहाँ देखिए इस चम्मच से, जो बड़ी वाली चम्मच होती है ना, बस उससे 2 बड़ा चम्मच डालिए घी। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। पहले बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स करेंगे इस तरह से मसलते हुए, जिससे कि जो घी है वो बढ़िया से सब तरफ आटे में लग जाए। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बिहार और यूपी में जो अलग अलग घर होते हैं सब में होता ही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कलौंजी भी डालते हैं, बहुत सारे लोग आटा प्लेन भी रखते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आप अजवाइन और कलौंजी नहीं डालना चाहते ना डालिए। अब यहाँ पर आपको लिट्टी का जो आटा लगाना है वो सख्त आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह आटे को मिलाते हुए सख्त आटा लगाएं। सख्त आटा लगाने से जो लिट्टी की शेप है वो बरकरार रहती है जब आप उन्हें सेकते हैं। अगर मुलायम लगा देंगे आटा तो क्या होगा ना कि वो धीरे धीरे जब आग में सिकेंगी तो चपटी हो जाएंगी। अगर सख्त रहेगा आटा तो लिट्टी सिकने के बाद एकदम परफेक्ट शेप में बनी रहेंगी, जैसे गांव में बनाते हैं ना, बिल्कुल देसी स्टाइल में। मेरे ससुराल की तो बहुत ही खास रेसिपी है, मेरे हस्बैंड की बड़ी फेवरेट है, हमारे यहाँ बनती ही रहती है। सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको आगे बताऊंगी। आपको बिल्कुल इस लिट्टी चोखा में वही स्वाद आएगा जो देसी तरीके में आग पर सेक कर या फिर कोयले वगैरह पर बनाया जाता है, मतलब भट्टी पर बनाया जाता है। लीजिए, आटा बिल्कुल परफेक्ट मैंने लगा लिया है, सख्त आटा लगाया है, फिर से बता रही हूँ, भूलिएगा नहीं। और बस इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट, ये करेगा आराम। फटाफट से कर लेते हैं बाकी सारे काम। अब बनाते हैं लिट्टी की जान और शान, सबसे हेल्दी और टेस्टी वाली सत्तू की फिलिंग। तो एक कोई बोल ले लीजिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप सत्तू। ये देखिए, इस तरह का सत्तू होता है जिसको कि भुने चने से बनाया जाता है। बहुत आयरन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर होते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है सत्तू। बहुत इजीली आजकल तो सभी जगह मिल जाता है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और ना भी मिले ना तो टेंशन मत लीजिए, ये वाले जो भुने चने होते हैं ना, देखिए ये वाले जो हम खाते हैं, बस इसका छिलका हटा दीजिए और इस चने को मिक्सी में डालकर पीसिए और पीस करके एक बार छान लीजिए। सत्तू आप इस प्रकार से घर में भी बना सकते हैं। अब सत्तू में यहाँ पर जो ट्रेडिशनल चीजें डाली जाती है वो देखिए ये है। ये मैंने लिए एक बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी चॉप कर लिया। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार बारीक कर लें, और 5-6 लहसुन की कली को भी इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है, और साथ ही बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। तो ये सारी चीजें जाएंगी फिलिंग में। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच डालिए काली मिर्ची पाउडर, साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, बड़ा मस्त लगता है, मैं तो जरूर डालती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही डाल देंगे यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन इस तरह क्रश करके, और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे मंगरेला, जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं। अब जो सबसे जरूरी चीज है जो लिट्टी की फिलिंग यानी सत्तू के साथ जाती है वो होता है अचार मसाला। तो ये देखिए, मैंने ये अचार मसाला लिया है। कोई भी अचार जो भी आपके घर में हो, लाल मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार, आम का अचार, किसी का भी तेल सहित थोड़ा मसाला निकाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है इस फिलिंग में, मतलब ये समझिए ये इसकी जान है टेस्ट की। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें जाएगी वो है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, ये जरूर डाला जाता है, इससे जो फिलिंग का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। अगर आप नहीं लाइक करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में इसको जरूर डालते हैं, उसी से टेस्ट आता है। तो बढ़िया से सभी चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे, फिर जितनी जरूरत होगी बस उतना हम पानी की छींटे भर लगाएंगे। इसको कोई पेस्ट नहीं बनाना, कोई पतला नहीं करना, बस बधा बधा कंसिस्टेंसी में हो जाए। अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ा सा पानी डाल करके देखिए इस तरह मिक्स कीजिए।
अब इस तरह मुट्ठी आप बांध कर देखिए, बंद रहा है ये, यानी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारी सत्तू वाली फिलिंग की। और एक बार ही ना थोड़ा सा इस तरह ना टेस्ट करके जरूर देख लीजिएगा, खटास नमक का परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है इस फिलिंग में, तभी तो मजा आता है लिट्टी खाने का। तो चलिए हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है, फटाफट से बनाते हैं लिट्टी के साथ खाए जाने वाला बहुत बहुत टेस्टी मजेदार चोखा। चलिए मैं आज आपको अपने घर का देसी स्टाइल का भरता बताती हूँ कि कैसे बनाएं कि बिल्कुल स्मोकी वाला फ्लेवर भी आ जाए और हमें कोयले वोयले किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बैगन, जो बड़ा वाला बैगन होता है ना, बस ये वो ले लेंगे हम। साथ ही यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 4 हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और 6-7 कली लहसुन के लिए है। और ये मैं आलू टमाटर बैगन वाला चोखा बना रही हूँ जो कि बड़ा फेमस है यूपी बिहार में। तो ये मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, आप बिना आलू के भी बना सकते हैं, आलू के साथ मस्त लगता है चोखा, तो मैं वो भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने बैगन को बढ़िया से धो लिया, धोकर के अच्छे से पोंछ लिया। तो सबसे पहले यहाँ बैगन को आपको देखिए इस तरह से चाकू से एक कट लगाना है, पूरा नहीं काट देना है बैगन को, इस तरह कट लगाइए। ऐसा करने से आप उसे थोड़ा सा खोलकर देख भी पाएंगे कि उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, बैगन खराब तो नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह, तो 2 कट लगा रही हूँ, एक लंबा कट इधर और एक इस साइड। अब जो ये हमने लहसुन की कलियां ली है ना, तो देखिए ऐसे कली उठाइए और इस गैप में ऐसे फंसा दीजिए। हम लोगों की माँ क्या करती है, मतलब मेरी सास, इस तरह से लहसुन को और दूसरी साइड हरी मिर्च को इस तरह फंसा दिया जाता है और उसको फिर बढ़िया से सेका जाता है। तो लहसुन और हरी मिर्च भी साथ के साथ पक जाते हैं और बैगन भी बिल्कुल बढ़िया से अंदर तक पक जाता है। और एक जो स्मोकी वाला फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लहसुन में भी आ जाएगा, हरी मिर्च में भी आ जाएगा, सब चीजें कम समय में एक ही साथ पक भी जाएंगी। अब लीजिए थोड़ा सा तेल और तेल का हाथ बैगन के ऊपर इस तरह और टमाटर के ऊपर दोनों पर लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप इसे सेक लेंगे ना और फिर छिलका हटाएंगे, बहुत आसानी से छिलका उतर जाएगा। अब आप ले लीजिए इस तरह की वायर मैश जिसपे हम पापड़ वगैरह सेकते हैं ना, तो बस ऐसी वाली हो तो ये ले लीजिए। अगर ये नहीं भी है ना, तो भी क्विक जुगाड़, आप ले लीजिए लोहे का तवा रोटी वाला, उस पर भी आप इसको काट करके बैगन को 2 भागों में रख दीजिए, टमाटर भी 2 भाग में काट लीजिए, सब चीजों को तवे पर सेक लीजिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आग पर इस तरह पकाएंगे ना, तो वो देसी वाला ऑथेंटिक टेस्ट चोखे में आएगा जो आप मार्केट में या बिहार वगैरह में गाँव में खाते हैं, मतलब हमारा काम बिना तंदूर ओवन बिना भट्टी के हो जाएगा। तो बस इस तरह लो फ्लेम पर यहाँ लगा देंगे बैगन और टमाटर यहीं पर रख देंगे। तो लो फ्लेम पर बिल्कुल बढ़िया से उलटते पुलटते बैगन को अच्छे से सेक लेंगे सब तरफ से, कि बढ़िया भुन जाए बैगन और अच्छी तरीके से पक जाए सब चीजें। चाहे तो अगर आपके घर में ओवन या एयर फ्रायर हो तो आप उसमें 200 डिग्री पर लगभग 15 मिनट के लिए रख दीजिए, तो वैसे भी आप इसे पका सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पलटते रहिए बीच बीच में और थोड़ी देर में बिल्कुल बढ़िया भुन जाएगा। और यहाँ देखिए बैगन और टमाटर लगभग भुन से गए हैं, तो बस इसी स्टेज पर कुछ देर के लिए ये जो उबले हुए आलू मैंने लिए हैं ना, इन्हें यहाँ आग पर रख रही हो, पहले से उबले हुए, टाइम नहीं लगेगा, साथ के साथ इसमें एक ना स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा आलू में भी, तो जब चोखा बनेगा तो बड़ा टेस्टी बनेगा। मैं यूपी से हूँ, हस्बैंड मेरे बिहार से है, तो पूरा परफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। और ये देखिए आलू पर भी हल्के हल्के से आप देख सकते हैं स्पॉट से आ गए हैं सिकने के, तो बस गैस को बंद कर देंगे और इन सबको एक प्लेट पर निकालकर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि हम इस पर हाथ लगा पाए और इसके ऊपर का जो ये छिलका आप देख रहे हैं ना, इसको हटा पाए। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि तेल लगाया था, तो देखिए इजीली हट रहा है छिलका, तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से ठंडी हो गई हैं और ये देखिए बैगन, धीरे से बस आराम से छिलका हटाते जाइए, फटाफट हो जाएगा काम। और जो अंदर हमने हरी मिर्च और लहसुन लगाया था ना, वो भी बिल्कुल बढ़िया एकदम खुशबूदार पक गया है। तो सभी चीजों को देखिए किसी फोक से या फिर इस तरह चाकू से आप पूरा मैश कर लीजिए, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, हाथ से कर लेंगे इस तरह कुचलते हुए। अब जाएंगी कुछ मजेदार सी चीजें, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया है, प्याज इसी तरह से कच्ची डलती है, थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ बारीक किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च मतलब स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा बारीक कटी हुई, तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ लहसुन, और खूब सारा डालेंगे हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, और साथ में डाल देंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, बहुत ही मस्त फ्लेवर देगा ये इस देसी वाले भरते हुए। सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, बहुत कमाल का टेस्ट आता है। अगर आपने लिट्टी चोखा आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया है, बनाया नहीं है, तो एक बार मेरी रेसिपी से इस तरह बनाकर देखिएगा, बड़ा पसंद आएगा आपको। तो बस फटाफट से बनाते हैं लिट्टी, तो वापस से आटे को एक बार और मसल लेंगे, देखिए इस तरह। अब इसमें से लोइयां तोड़ेंगे, मीडियम साइज की लोई तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। आपने अगर कभी देखा हो तो लिट्टी गोल गोल ही बनाई जाती है, जैसे बाटी होती है राजस्थान वाली, बस बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। बस एक लोई लीजिए, हाथ पर रखकर इस तरह से गोल घुमा करके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए,
थोड़े क्रैक भी आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया ही लगते हैं, बढ़िया सिकती है उससे लिट्टी अंदर तक। अब हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको कटोरी नुमा बनाएंगे। देखिए ऐसे चारों उंगलियां पीछे रख के और अंगूठा बीच में इस तरह, और इसे देखिए घुमाते जाइए, ये कटोरी जैसी शेप बन जाएगी। अच्छा जो ऊपर की सतह है ना बहुत ज्यादा मोटी मत रखिएगा, देखिए इस तरह की रहनी चाहिए कि अंदर से पके भी खाने में खस्तापन लगे बढ़िया। अब इसमें लेंगे सत्तू, लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब भरेंगे, फिलिंग बढ़िया होनी जरूरी है, और उंगलियों से देखिए थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेस करेंगे, मतलब सेट कर लेंगे फिलिंग को, और जो किनारे है ना आटे के वो धीरे धीरे घुमाते हुए इस तरह से ऊपर की ओर लाएंगे और घुमाएंगे। हथेली देखिए मेरी नीचे घूम रही है, इस तरह से घुमाते जाएंगे और लिट्टी को सील करेंगे। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा आप देख रहे हैं ना, या तो इसे हटा दीजिए या यहीं पर इसको आप दबा भी सकते हैं। एकदम बढ़िया लिट्टी गोल गोल तैयार की है ना, 1 से 2 बार के बाद ना आपको एकदम हाथ फ्री हो जाएगा, मजे से आप तीसरी तो लिट्टी परफेक्ट बना ही लेंगे। इसी तरह से दूसरी बनाएंगे, कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। थोड़े बहुत क्रैक आए कोई टेंशन नहीं, ऐसी रहने दीजिए, बहुत बढ़िया सिकेगी। तो देखिए मैंने सारी लिट्टी इसी तरह से तैयार कर ली है। आजकल की भागदौड़ वाले टाइम में इतना समय नहीं होता कि हम इतनी मेहनत करें, गांव के तरीके से चीजें बना पाएं, कोयले लाएं या उसके लिए कोई भट्टी वगैरह तैयार करें, तो उसके लिए मैं इसे बनाने वाली हूँ कुकर में, घर वाले कुकर में बनाएंगे। तो बस गैस पर रख देंगे कुकर और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 छोटी चम्मच तेल, तेल ही डालिएगा क्योंकि घी डालते हैं ना तो घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उसकी वजह से जो लिट्टी है फिर बहुत जल्दी सिकने लग जाती है, अंदर तक पक नहीं पाती। पहले कुकर को थोड़ी देर 3-4 मिनट बढ़िया से गर्म कर लेंगे। सबसे ध्यान रखने की बात जो कुकर का ढक्कन है, देखिए ये वाला, इसके ऊपर की आप सीटी हटा दीजिए, वही जो रबर लगी होती है ना गैस्केट, रबर और सीटी हमें दोनों नहीं चाहिए। इसी तरह ढक्कन को ढक देंगे और कुकर को गर्म होने देंगे, प्री हीट कर लेंगे। और ये देखिए कुकर हल्का गर्म हो गया है, तो बस इस स्टेज पर लिट्टी लेंगे और लिट्टी को बस इस तरह से कुकर में लगा देंगे, ये देखिए इस तरह। अब ढक्कन लगाएंगे, बंद करेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर लगभग 5-6 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। और देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं, धीरे से ढक्कन को हटाएंगे, परफेक्ट। और चम्मच से इस तरह से लिट्टी को पलट देंगे जिससे कि जो लिट्टी है वो हर तरफ से एकदम परफेक्ट सिक जाए। अब इससे ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट और सिकने देंगे, और 5 मिनट बाद फिर से उलट पलट कर देंगे जिससे एकदम बढ़िया से लिट्टी अंदर तक सिके। तो जब तक हमारी लिट्टी कुकर में सिक रही है मैं आपको बताती हूँ एक और तरीका, वो है एयर फ्रायर का। अवन या एयर फ्रायर हो आपके पास या ओटीजी हो तो उसमें भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, या देसी वाला तंदूर हो गैस का जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। अच्छा हाँ एक जरूरी बात, मैंने यहाँ एयर फ्रायर को 200 डिग्री पर लगभग 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया था जिससे कि एकदम परफेक्ट हमारी लिट्टी एयर फ्रायर में सिक पाए, बहुत बढ़िया बनती है एयर फ्रायर में। 200 डिग्री पर ही लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से सिकने देंगे, फिर बीच में एक बार खोल के चेक कर लेंगे, मतलब आप ऐसे समझिए लगभग 20 मिनट में बिल्कुल बढ़िया हमारी लिट्टी सिक करके एयर फ्रायर में तैयार हो जाती है। और लगभग 18 मिनट के करीब हो गए हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं लिट्टी को कुकर वाली को, ये देखिए बस इसी तरह घुमा दीजिए एक बार, चारों तरफ से बढ़िया सिक जाएगी लिट्टी। अब वापस से ढक्कन लगा दीजिए, अब आपको ढक्कन खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फ्लेम लो मीडियम रहने दीजिए और बढ़िया से इसी तरह सिकने दीजिए। बस क्या करना है कुछ मिनट बाद देखिए इस तरह कुकर पकड़िए और हिला दीजिए, इससे अपने आप ही लिट्टी अंदर घूम जाएंगी और सिक जाएंगी। और लीजिए लगभग 22 से 25 मिनट के करीब हो गए हैं, एक दो बार कुकर को और हिला दिया था, तो चलिए लिट्टी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत शानदार और बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं क्या मस्त कलर आया है और इसके जो स्पॉट्स आए हैं लग रहा है कि जैसे आग में बनाई हो, ये है खास बात। और ये देखिए आ गई वही गांव वाली देसी देसी सौंधी खुशबू हमारी लिट्टी में। अगर आपके कुकर में या आपकी फ्लेम सबकी ऊपर नीचे है, सबके अलग होते हैं, तो अगर कम सिकी हो तो थोड़ा और सेक लीजिए, और हो सकता है किसी की थोड़ी जल्दी हो जाए तो बीच में आप चेक कर लीजिए। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि लिट्टी परफेक्ट सिकी है अंदर से, मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि लिट्टी में क्रैक्स आ गए हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि लिट्टी एकदम परफेक्ट सिक गई है अंदर तक, बढ़िया पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अच्छा हाँ एयर फ्रायर की तो देख लें, और ये देखिए एयर फ्रायर की भी हमारी बिल्कुल मस्त लिट्टी सिक कर तैयार है। बस इतना ही अंतर है कि जो एयर फ्रायर की लिट्टी है उन पर वो आग वाले स्पॉट नहीं आते हैं, पर सिकती ये भी बहुत बढ़िया है अंदर से। और इस तरह से गर्मा गर्म लिट्टी लीजिए, घी ये मैंने लिया है, घी में इस तरह डिप कीजिए, मैं बिल्कुल वो देसी वाला ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ कैसे सर्व किया जाता है,
बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप घी वगैरह नहीं खाते, डाइट पर हैं, तो मत डिप करिए इसको। इसी तरह से भी आप चोखे के साथ सर्व कर सकते हैं बिना घी लगाए। और ये देखिए, मैं लिट्टी आपको खोल कर दिखाती हूँ गरम गरम। ये देखिए, एकदम खस्ता क्रिस्पी, अंदर से भरी भरी, परफेक्ट सिकी हुई। इस तरीके से जब आप आलू बैगन टमाटर के चोखे के साथ इसे सर्व करेंगे तो मतलब मजा ही आ जाएगा, रोक नहीं पाएंगे आप अपने हाथ को, लगातार खाते जाएंगे सब। मतलब अगर आपने इससे पहले कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया या नहीं बनाया है तो यकीन मानिए, एक बार आप ऐसे बनाकर देखिए, आपके घर में सबको इससे प्रेम हो जाएगा। और जब ऐसे चोखे के साथ खाएंगे, स्वाद में खो जाएंगे आप इसके। तो फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए लिट्टी चोखा। देसी वाला स्वाद आपको एकदम सिंपल आसान तरीके से घर में ही आ जाएगा, वो भी बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के। तो प्लेट यहाँ लगी हुई है, सब मांग रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड और बच्चे को देने के लिए ये लिट्टी और चोखा, मजेदार वाली रेसिपी। गरम गरम लिट्टियाँ, गरम गरम चोखा, ठंडा मौसम, खाकर मजा आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।